आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, सो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी और सेकंड आयनेशन एंथैल्पी दिया गया है हमें तीन एलिमेंट्स का। यहाँ पे हम देख सकते हैं तीन एलिमेंट्स का फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी और सेकंड आयनेशन एंथैल्पी हमें दिया गया है। और हमें पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट व्हिच इज लाइकली टू बी एन अल्कली मेटल। अच्छा, और हमें बताना है कि ये एलिमेंट 1, 2, 3 में से कौन सा एलिमेंट हमारा अल्कली मेटल होगा। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में मेटल्स का टेंडेंसी क्या होता है। मेटल्स का टेंडेंसी होता है वो चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स लूज करें। वो मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स सो दैट दे अल्टीमेटली गेट अ स्टेबल कॉन्फिगरेशन। मेटल्स का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन्स लूज करना जिससे कि उनको स्टेबल कॉन्फिगरेशन मिल जाए, स्टेबल कॉन्फिगरेशन मिल जाए। और नॉन मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, नॉन मेटल्स दे वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स का टेंडेंसी होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, सो दे गेट अ स्टेबल कॉन्फिगरेशन जस्ट लाइक मेटल्स। सो मेटल्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं ताकि उनको स्टेबल कॉन्फिगरेशन मिल जाए, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं क्योंकि उनको स्टेबल कॉन्फिगरेशन मिल जाए इसलिए। सो तो आयनेशन एंथैल्पी हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है आयनेशन एंथैल्पी दिया गया है। और आयनेशन एंथैल्पी क्या होता है, आयनेशन एंथैल्पी होता है हमारा एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, ये होता है हमारा आयनेशन एनर्जी। सो हमें फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी दिया गया है यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना, सेकंड आयनेशन एंथैल्पी यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन वही सेम एलिमेंट से। और हमें पूछा गया कि अल्कली मेटल कौन सा होगा, तो पहले हमें ये पता चल गया कि हमारा जो मेटल्स होते हैं मेटल्स चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करें। तो अगर कोई सामने से इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहता है तो अगर हम थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे तो मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज कर देगा। सो इसमें मेटल्स में हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि मेटल्स तो पहले से ही चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करें, पहले से ही वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहता है। तो हम बस थोड़ा सा ही अगर आयनाइजेशन एनर्जी दिए तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो हमें ये पता चल गया है कि मेटल्स का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम रहेगा। तो यहाँ पे जो हमें तीन एलिमेंट दिया गया है तो हम देख सकते हैं कि एलिमेंट 1 और 2 में फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है पर एलिमेंट 3 में बहुत ही ज़्यादा है। तो एलिमेंट 3 हमारा नॉन मेटल हो जाएगा क्योंकि नॉन मेटल चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, वो इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहता। इसीलिए अगर हम ज़बरदस्ती नॉन मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए नॉन मेटल्स का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो एलिमेंट 3 हमारा नॉन मेटल हो गया, हमें ये पता चल गया। अभी हमें एलिमेंट 1 और 2 में से देखना है कौन सा हमारा अल्कली मेटल होगा। तो हमें पता है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में ग्रुप 1 को हम बोलते हैं अल्कली मेटल, ग्रुप 1 को हम अल्कली मेटल बोलते हैं जिसमें हमारा लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, रुबिडियम आ गया, सीजियम आ गया। और ग्रुप 2 को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल जिसमें हमारे एलिमेंट्स सब आ गए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये हो गए हमारे ग्रुप 2 एलिमेंट। तो अभी हम ग्रुप 1 में से कोई एलिमेंट लेते हैं और ग्रुप 2 में से और उनका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तब हमें पता चलेगा कि हमारा फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी किस में ज़्यादा होगा और किस में कम। सो हम लेते हैं सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11
और कॉन्फ़िगरेशन होता है 1:2, 2:2, 2p6, 3s1, और यहाँ से लेते हैं हम ग्रुप 2 में से मैग्नीशियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सोडियम के पास s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है और मैग्नीशियम के पास s ऑर्बिटल फुल फिल्ड है। तो अगर हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, तो उसके बाद सोडियम के पास कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, सोडियम के पास रहेगा यानी Na प्लस के पास कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वन एस टू वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, ये है नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन। नियॉन हमारा क्या है, इनर्ट गैस जिसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही स्टेबल होता है। तो Na प्लस के पास हमारे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पा गया। तो सोडियम क्या करेगा ना, चाहेगा कि वो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी ही लूज कर दे, और हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक ले आए तो हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी भी सोडियम में कम रहेगा। और वहीं अगर हम मैग्नीशियम को देखेंगे तो मैग्नीशियम में से यहाँ पे 3s2 है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद हमारा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह रहा है। तो ये हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, ये हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। तो मैग्नीशियम यहाँ पे अपना जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है वो लूज ही नहीं करना चाहेगा, मैग्नीशियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करना चाहेगा, क्योंकि कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन कब इजीली लूज करेगा, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आए। पर मैग्नीशियम तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद मैग्नीशियम के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा है, तो मैग्नीशियम ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो लूज नहीं करना चाहेगा, इसीलिए मैग्नीशियम के लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा और सोडियम के लिए कम। तो हमारा जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा मैग्नीशियम के लिए ज़्यादा रहेगा और सोडियम के लिए कम। सो अभी देखते हैं कि हमें जो टेबल दिया गया था, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किस में ज़्यादा है, एलिमेंट टू में, यानी एलिमेंट टू हमारा हो जाएगा ग्रुप टू मेटल्स या अल्कलाइन नॉर्थ मेटल्स हो जाएगा हमारा एलिमेंट टू, और एलिमेंट वन हो जाएगा हमारा अल्कली मेटल्स या ग्रुप वन मेटल्स। तो हमें जो पूछा गया था कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज लाइकली टू बी एन अल्कली मेटल, वो होगा हमारा ग्रुप वन होगा हमारा आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।